रुख करते हैं प्रदेश की ओर। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संस्कृत को प्रदेश की दूसरी भाषा घोषित किया गया है और विशेष रूप से हम संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके तहत प्रदेश के स्कूलों में जल्द दूसरी कक्षा से संस्कृत की पढ़ाई प्रारंभ होगी, जिसका सिलेबस भी बन रहा है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज माजवाला के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ज्वालामुखी में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि संस्कृत को प्रदेश की दूसरी भाषा घोषित किया गया है और विशेष रूप से हम संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके तहत प्रदेश के स्कूलों में जल्द दूसरी कक्षा से संस्कृत की पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिसका सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज नैतिक शिक्षा की ओर सांस्कृतिक संस्कारिक शिक्षा की आवश्यकता है और उसके लिए अवश्य है कि हम संस्कृत की पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें। भारद्वाज ने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में संस्कृत संभाषा, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत में बातचीत भी कर सकें, उसके लिए स्कूलों में संस्कृत लैब की स्थापनाएं भी की जा रही हैं, जहां संस्कृत बोलचाल भी सिखाई जाएगी। भारद्वाज ने बताया कि बीते 2 वर्षों में शिक्षा की दृष्टिगत काफी काम हुए हैं और आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में सिलेबस में कुछ परिवर्तन कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में टीचरों की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद शिमला लौटते समय शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज मां ज्वाला के चरणों में शीश नवाने पहुंचे थे। मंदिर के पुजारी सौरभ शर्मा और राहुल द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर मां के दर्शन करवाए गए। इस बीच प्रशासन की ओर से उन्हें मां की चुनरी और सिरोपा भेंट किया गया। पूजा अर्चना के बाद सुरेश भारद्वाज करीब 1 घंटा मंदिर में रुके और मां के लंगर का प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया। तो पूरे 5 साल केवल मात्र 6,000 टीचर्स एलिमेंट्री जो हमारा शिक्षा विभाग है उसमें हमने पिछले 2 वर्षों में ही 7100 नियुक्तियां कर दी हैं और उसके अलावा हमारी लगभग 1300-1400 अभी पाइपलाइन में है, यानी कि उनका भी इंटरव्यू होना है। और अभी हमने इसके अतिरिक्त 3636 जो टीचर्स के पद हैं उनकी स्वीकृति कैबिनेट से ली है, जो बहुत जल्दी जो है वो दी जाएगी। हम प्रारंभिक शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी जो है वो सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन जो कर रहे हैं। विशेष रूप से हम संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं। संस्कृत को प्रदेश की दूसरी भाषा घोषित किया गया है और अब हम दूसरी कक्षा से संस्कृत की पढ़ाई प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसका सिलेबस बन रहा है। क्योंकि आज नैतिक शिक्षा की और संस्कारयुक्त शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यक है कि हम संस्कृत की पढ़ाई पर जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस करें। इसके अतिरिक्त हम प्रदेश भर में संस्कृत संभाषण, जो संस्कृत पढ़ते भी हैं बच्चे, वो बातचीत भी कर सके संस्कृत में। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगे प्रदेश की गतिविधियां।